हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ। आप देख रहे हैं सैम्स एडवाइस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मसालेदार टेक्निक्स बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहली अपडेट ये गेम ऑफ थ्रोन्स से आ रही कि गेम ऑफ थ्रोन्स का नया गेम जो है वो जल्दी ही आएगा और इसके प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो जाइए और रजिस्टर कीजिए। और जो प्री रजिस्ट्रेशन करने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें से कुछ को गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जाइए और रजिस्टर कीजिए और बहुत ही मस्त सा गेम होगा, देखने में तो यही लग रहा है। दूसरी अपडेट ये शाओमी की तरफ से आ रही कि शाओमी का रेडमी K20 और K20 प्रो जो फ़ोन है वो 17 जुलाई को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा फ़ोन की सेल रहती है। बाकी फ़ोन तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत तगड़ा है। तो जब आएगा मैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब बताऊंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि स्मार्टफोन में अगर OLED टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो उसमें बैटरी कंजप्शन बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट होता है और जो फ़ोन है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो ये एक रिपोर्ट ने बताया है। तो देखते हैं आगे आने वाले फ़ोन्स में कौन सी डिस्प्ले यूज़ की जाती है, OLED यूज़ की जाती है या सुपर एमोल्डेड जैसे सैमसंग्स में आती है, या IPS डिस्प्ले या LCD डिस्प्ले या जो भी होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे। एक न्यूज़ ये फेसबुक से आ रही है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने फेसबुक पे फाइन लगा दिया है क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच फैलाई थी फ्रांस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो फ्रांस गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि वो फेसबुक पे फाइन लगाए। तो हियरिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। एक अपडेट ये एप्पल की तरफ से आ रही है कि एप्पल का आई क्लाउड और ऐप स्टोर जो है उसका वो कुछ यूज़र्स के लिए अभी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं कब तक सही होता है। बाकी ये सारी यूज़र्स में नहीं प्रॉब्लम आ रही, कुछ ही यूज़र्स में आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है कि बिटकॉइन इतनी एनर्जी कंजप्शन करती है जितना स्विट्ज़रलैंड में पूरा बिजली यूज़ होती है। ये रियलमी की तरफ से आ रही है कि रियलमी C2 जो फ़ोन है वो ऑफिशियली सेल के लिए उपलब्ध हो गया है फ्लिपकार्ट और realme.com पे। तो 5 जुलाई को ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, मतलब कल हो चुका है। तो अगर आपको फ़ोन अच्छा लगे तभी बाय कीजिएगा। वैसे फ़ोन तो बहुत तगड़ा है, बजट स्मार्टफोन है। तो देखते हैं कैसा फ़ोन रहेगा और कितनी सेल करेगा। तो अपडेट ये अपने इंडियन बजट से निकल के आ रही है कि ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के जो हैं उसकी नए डोमिनेशंस निकाले जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है, ये कल के बजट में निकल के आया था। एक अपडेट ये अमेरिका की तरफ से आ रही कि 4 जुलाई मतलब परसों अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था। तो उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी चीज़ बोल दी कि उन्होंने कहा कि मार्स पे सबसे पहले अमेरिका का ही झंडा लगेगा। तो ये उन्होंने बहुत दावे और बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है। तो देखते हैं अमेरिका ऐसा कुछ करता है कि नहीं, नासा कुछ करता है कि नहीं। एक न्यूज़ ये एसुस की तरफ से आ रही है कि एसुस का ROG जो 2 फ़ोन था वो ऑफिशियली लॉन्च होगा 23 जुलाई को। देखते हैं फ़ोन कैसा रहे। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। कल स्टार्ट हो जाएगी। नहीं आज कितनी है, धुम्मा है भैया, आज 5 है। मतलब कही कि रियलमी C2 का जो फ़ोन है, एक अपडेट ये रियलमी की 5 है ना। रुको रुको, पॉज ना करो, पॉज ना करो, पॉज ना करना। आज 5 है ना, पता नहीं वो